इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लन द नो आर्बिट्राज प्राइसिंग प्रिंसिपल सो इन्वेस्टर्स कहते हैं या थेरी कहती है कि अगर आपकी किसी भी शॉक्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी डिसशंस की वजह से किसी भी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में अगर आपको नजर आ रही है कि वो मिस प्राइज है मिस प्राइज का मतलब ये है कि इन्वेस्टर समझ रहे हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी की कीमत समझ ले छः रुपये होनी चाहिए और अभी वो आठ रुपये है या चार रुपये है यानी कि उसकी जो कीमत है उससे वो अभी जो मार्केट में कीमत है वो कम है होनी चाहिए उससे कम है या उससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो मिस प्राइज है तो अगर वो मिस प्राइज है तो फौरन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस किस्म की मिस प्राइज सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज़ करके इवेंचुअली एक ऐसी सूरत हाल में पहुंचा देते हैं कि वहाँ वो मिस प्राइस से उठ के वो परफेक्टली फेयर प्राइस पे चली जाती राइट right? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिक्योरिटी किसी भी शॉक की वजह से किसी भी और कोई रीजंस की वजह से कंपनी ने कोई पॉलिसी डिफ़ाइन कर दी है जिस कम जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो स्टॉक्स हैं जिसकी मैं बात करी उनकी वजह से उसकी कीमत फ़ॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स बिलीव कर रहे हैं कि वो एक सौ छः होने चाहिए और अभी वो एक सौ दस रुपये की बिक्री है तो ज़्यादा कीमत पे सब लोग उसको परचेज कर लेंगे राइट right? और जब uh, उस, उसकी जब uh, जब ज़्यादा कीमत हो जाएगी तो सब लोग अगर जिनके पास भी वो वाली शेयर मौजूद है तो वो उसको वो समझ रहे हैं कि इसकी कीमत असूलन एक सौ होनी एक सौ छः रुपये होनी चाहिए और अभी वो एक सौ दस रुपये की है तो ये बहुत अच्छी कीमत हमें मिल रही है तो वो उसको फ़ौर सेल कर देंगे मार्केट में और जैसे ही वो सेल करेंगे अवेलेबिलिटी उसका ज़्यादा हो जाएगा उसका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो कीमत है वो कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हर बंदा एक सौ के ऊपर उसको बेचना चाह रहा है और इतना बायर्स नहीं है अगर वो रिलेक्टेंट हैं सम ऑफ देम आर रिलेक्टेंट के मे बी ये अभी हम इसको एक सौ की खरीद लेंगे तो आ, कल या परसों या एक हफ़्ते के बाद इसकी कीमत गिर जाएगी तो फिर हमें नुकसान होगा तो एवरीबडी माइड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक एट वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ तो इवेंचुअली क्या होगा हर बंदा रेडी है एक सौ दस रुपये के उसके ऊपर बेचने के लिए तो उसका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और उसकी डिमांड कम हो गई है तो जिसकी वजह से उसका कीमत नीचे चला जाएगा और वो वापस एक सौ छः रुपए पर आ जाएगी तो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नो आर्बिट्राज प्राइसिंग प्रिंसिपल कि आप इवेंचुअली आर्बिट्राज की वजह से एक ऐसे लेवल के ऊपर आ जाते हैं जहां आपका जो मिस प्राइस सिक्योरिटी है वो अपने इकलिब्रियम प्राइस के ऊपर या जितना जो जो प्राइस वो समझते हैं कि ये इसका फेयर प्राइस है उस पर्टिकुलर प्राइस के लेवल के ऊपर पहुँच जाती है और जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि इफ़ इट इज़ ओवर वैल्यूड तो इन्वेस्टर्स उसको सेल कर देंगे इफ़ इट इज़ एंड दे गो फॉर बाइंग मोर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ द अंडर वैल्यूड पोर्टफोलियो अंडर वैल्यूड पोर्टफोलियो को ज़्यादा खरीदेंगे तो आ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और जो उसका फेयर वैल्यू है उसके ऊपर चली जाएगी और जब ओवर वैल्यूड है तो उसको बेच बेचना चाहेंगे सब लोग तो वो उसकी कीमत कम होकर जो फेयर प्राइस है वहाँ चली जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नो आर्बिट्राज प्राइसिंग प्रिंसिपल